नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी की भोग के लिए भोग की थाली बना रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम मखाने के लड्डू बना लेते हैं। मखाने के लड्डू बनाने के लिए हमें मखाने चाहिए, कटा हुआ काजू, बादाम कटे हुए, नारियल पाउडर, इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी और घी और आवश्यकता अनुसार दूध। अब हम मखाने रोस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा घी डालेंगे। अब मखाने डाल लेते हैं इसमें। हमारे ये मखाने रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें उतार लेते हैं। हम इन्हें बॉल में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के बाद मिक्सी से पीस लेंगे। ये मैंने फाइन पाउडर बना लिया इसका इस तरह से। अब इसमें बाकी चीज़ें मिला लेते हैं। ये एक कटोरी पिसी हुई चीनी है, पर मैं आधी कटोरी डाल रही हूँ, आप पूरा भी डाल सकते हैं। एक चम्मच कटे हुए काजू, एक चम्मच बादाम, एक चम्मच नारियल पाउडर, आधा चम्मच इलायची, एक बड़ी चम्मच घी, अगर कम लगी तो और डालेंगे। अभी इसमें घी और पड़ जाएगा। मैंने इसमें तीन बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। अब थोड़ा सा दूध मिला रही हूँ। मैंने इसमें दो चम्मच दूध मिलाया है। अब हम इनको बांध देते हैं, लड्डू बना लेते हैं। इन लड्डुओं को किसी भी साइज का बना सकते हैं, छोटा बड़ा। ये हमारे मखाने के लड्डू तैयार है। अब हम धनिया का प्रसाद बना लेते हैं। इसके लिए हमें पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई चीनी, कटे हुए मखाने, घी, कटे हुए काजू, कसा हुआ नारियल, कटा हुआ बादाम और इलायची पाउडर। हमने पैन गरम होने रख दिया है। इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। इसमें मखाने डालकर रोस्ट कर लेते हैं। ये मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बॉल में। हल्का सा घी और डालेंगे। बादाम, काजू, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे और ये कटा हुआ नारियल भी डाल देते हैं इसमें। इनको हल्का ही रोस्ट करना है। ये हमारे हो चुके हैं। तो एक चम्मच घी और डालकर इसमें ये धनिया पाउडर रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा। ये धनिया भी हमारा भुन चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको भी बाउल में निकाल लेते हैं। आधा कटोरी पिसी चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, सबको हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारा धनिया का प्रसाद
बनकर तैयार हो गया है। अब हम अरबी के मीठे चिप्स बना रहे हैं। ये मैंने छील कर अरबी को धोकर और पतले पतले चाकू से काट लिए थे, फिर 2 घंटे के लिए मैंने पंखे में कपड़े पर फैला दिए थे। इनका पानी सूख गया है। और ये चीनी है और घी है और इलायची पाउडर है। गैस पे मैंने पैन रख दिया है और मैं इसमें अब घी डाल रही हूँ। घी हमारा गर्म हो गया है, एक चिप्स डालकर देख लेते हैं। हम हल्की आंच पर तल लेंगे। अब हमारे ये अरबी के चिप्स तलकर तैयार हो गए हैं, करारे हो गए हैं और इन्हें तलने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। ये चिप्स हमारे तल गए हैं और इस तरह से करारे हो गए हैं, ये देखिए। अब इनको हम पाक लेते हैं। अभी पैन में चीनी डाल रहे हैं पाकने के लिए। ये 1 कटोरी चीनी डाली है मैंने, 1 कटोरी में 1/2 कटोरी पानी डाल रही है। ये चीनी के गलने तक हम पकाएंगे इसे। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम देख लेते हैं इसमें। एक तार की चाशनी बन गई है, इसके लिए हमें 1 तार की ही चाशनी चाहिए। अब हम इस पर ये डाल देते हैं और मिला लेते हैं। मैं इलायची डालना भूल गई थी, मैं अब इलायची डाल रही हूँ इसमें, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसको हम मिला देते हैं। ये हमारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे अरबी के चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। हर चिप्स पर मीठा चढ़ गया है, सारे चिप्स मीठे हो गए हैं। अब हम खरबूज की मींग की पंजीरी जमाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? चीनी, खरबूज की मींग, मावा, घी, इलायची पाउडर। अब हमने गैस पर पैन रख दिया है, उसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। इसमें मींग डाल देंगे और इसे हम हल्की आंच पर भूनेंगे। इस मींग के लिए हल्की आंच पर ही भूनना है और ये हमारी अब चटकने लगी है। हमें इसे इससे कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये बाहर ना निकले। इसे लगातार चलाते रहना है। ये भून गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर मिक्सी से इसे पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको इसका पाउडर बना लिया था, ये इस तरह का। अब हम इसकी कतली बनाने जा रहे हैं। एक पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। और 1/2 कटोरी पानी। इसकी हम चाशनी बनाएंगे और इसकी चाशनी हमारी 2 तार की बनेगी, क्योंकि इसमें हम मावा डाल रहे हैं, तो मावा के लिए हमें 2 तार की चाशनी बनानी होती है। अगर हम मावा नहीं डालते तो हमें 1 तार की चाशनी बनानी थी। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम इसे ग्रीस कर ले रहे हैं, जिस बर्तन में हमें जमानी है। एक बूंद हम इस पानी में डाल के देख ले रहे हैं।
गोली सी बनने लगी है, ये चाशनी हमारी तैयार है। गैस को बंद कर दे रहे। चाशनी मैंने गैस से उतार लिया, और इसमें हम मावा डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, और जब तक हल्का सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मिंगी का पाउडर डालेंगे। ये हमारा ठंडा हो गया है, इसमें हम अभी मिला देते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हमें रखे 2 घंटे हो गए, अब हम इसे काट लेते हैं। इसे निकाल लेते हैं। ये मिंगी की पंजीरी हमारी बन गई है। अब हम नारियल की पंजीरी जमाएंगे। एक नारियल मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मावा, इलायची पाउडर। ये चीनी मैं पैन में डाल रही हूँ। 1 कटोरी चीनी में 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसकी हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें मावा डालेंगे। अगर मावा नहीं डालते तो हम 1 तार की चाशनी बनाते। ये हमारी चाशनी बन चुकी है। एक ड्रॉप हम पानी में डाल के देख लेते हैं, अगर ये घुल जाएगी तो नहीं बनी है, और अगर गोला सा बन गया तो बन गई। ये गोला बन गया है, ये बाहर आ गया, ये जमने लायक हो गई। गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं इसमें मावा डाल लेती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है, और इसको हम मिला लेते हैं। ये मिल चुका है, अब इसमें हम नारियल डाल लेते हैं। चम्मच हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ये हमारा मिल गया है। अब मैं प्लेट ग्रीस कर लेती हूँ इसे जमाने के लिए। इसमें हम पलट लेते हैं, इसको हम चिकना कर देते हैं। चिकना हो गया, अब 2 घंटे के लिए हम इसे ठंडा होने देते हैं, फिर अपनी पंजीरी काटेंगे। ये हमारी पंजीरी रखे 2 घंटे हो गए हैं, और ये अच्छी तरह से जम गई है। इसे हम काट लेते हैं। हम इसका कोई सा भी आकार दे सकते हैं, चौकोर या बर्फी वाली। ये हमारी कतली बन गई है। ये हमारी नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम कान्हा के भोग के लिए पंचामृत बना रहे हैं। पंचामृत में हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, घी, गंगाजल और शहद, ये पांच चीजें जरूरी हैं, तभी पंचामृत बनता है। और चीनी, पिसी हुई चीनी, इलायची और ये पंचमेवा और तुलसी, ये भी इसी में डाली जाती है। आइए हम मिला लेते हैं। एक कटोरी कच्चा दूध डाल रही हूँ, इसमें कच्चा दूध ही डाला जाता है। और ये गाढ़ा ताजी दही है आधा कटोरी, ये दही ऐसे ही डाला जाता है, फेंटते नहीं है इसको। एक चम्मच घी और ये गंगाजल, और ये शहद। ये पिसी हुई चीनी है, ये इलायची पाउडर और ये पंचमेवा। और ये है आप तुलसी दल, और तुलसी दल के बिना कान्हा का भोग नहीं लगता। ये हमारा पंचामृत बन गया। अब हम कान्हा के लिए माखन मिश्री का भोग बना रहे हैं। ये मक्खन, ये मेरा घर का बना हुआ मक्खन है और इसमें ये मिश्री मिला रही हूँ। और ये तुलसी दल, ये कान्हा का माखन मिश्री का भोग बन गया। ये कान्हा जी की भोग की थाली तैयार हो गई है। कान्हा जी को भोग लगाइए और प्रसाद को खुद ग्रहण कीजिए और सबको बांटिए और कमेंट में बताइए कि ये कैसे बनी।